हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस, ठीक है? FUNCTIONS, फंक्शंस, ठीक है? तो फंक्शंस बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है शेल स्क्रिप्टिंग में। तो फंक्शंस का काम होता है ना, किसी भी स्क्रिप्टिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करके लिखना, ठीक है? हम एक फंक्शन बनाते हैं, देन हम कमांड्स डालते हैं, ठीक है? देन हम उसे कॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं ना, हम हर एक प्रोग्राम को, मतलब एक स्क्रिप्टिंग के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं एक ही स्क्रिप्टिंग के अंदर, ठीक है, तो उसको हम एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। इससे क्या होता है ना, जैसे कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम आज के एक डेमो में करेंगे, एक में हम लोग करेंगे अपाचे टॉमकैट और अपाचे वेब सर्वर, दो कॉन्फ़िगर चीजें करेंगे चीजें, ठीक है? तो अपाचे टॉमकैट को मैं अलग कॉन्फ़िगर करूंगा एंड अपाचे वेब सर्वर को अलग। तो अगर किसी एक में दिक्कत आएगी ना, तो मुझे सिर्फ उस कोड को जाके चेक करना होगा, ठीक है? तो ऐसे मुझे पूरी फाइल चेक नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ उस ब्लॉक को चेक करूंगा जिसमें मैंने अपाचे वेब सर्वर लिखा है। अगर अपाचे वेब सर्वर में दिक्कत आती है तो मैं अपाचे वेब सर्वर को चेक करूंगा, ना कि पूरी स्क्रिप्ट को। तो एक प्रॉपरली वे में ऑर्गेनाइज करना, चीजों को अरेंज करना, उसमें क्या उसको हम यूज करते हैं फंक्शंस में, ठीक है? कैसे, देखो अब मैं इसकी पहला फाइल आपको दिखाता हूं, वेम फंक्शन डॉट एस एच, ठीक है? स्क्रिप्टिंग शुरू करूंगा मैं, डालेंगे अपन बिन बैश, ठीक है? और यहां से मैं एक सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखूंगा सबसे पहले, एक हेलो, सॉरी हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये मैंने लिखा, ये मैंने लगाया ब्रैकेट, ठीक है? और ये मैंने स्टार्ट किया कर्ली ब्रेस, इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और यहां मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखो यहां हुआ क्या, ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप एज ए सिंटेक्स समझ सकते हो या फिर एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन समझ सकते हो। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया एंड उसके अंदर जब मैं यहां मैं लास्ट मैंने बुलाया कि हेलो वर्ल्ड को बुला रहा हूं मैं, ठीक है? जब मैं हेलो वर्ल्ड को बुलाऊंगा ना, तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर की चीजें वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जीक्यूट क्या करेगा, ये इको हेलो वर्ड, तो ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ड, ठीक है? एक बार इसको देख लेते हैं एंड लाइक दिस, ठीक है? अब मैं इसको दूंगा परमिशंस, ओके एफ यू एन फंक्शन डॉट एस एच, मैंने दे दी इसको परमिशन, ठीक है? अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट लाइक दिस एंड आपको देखो अब यहाँ क्या प्रिंट हो गया, हेलो कॉमा वर्ल्ड, ये प्रिंट हो गया ना। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया एंड मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है? मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। इसमें मैंने कोई डॉलर का साइन नहीं यूज किया, मैंने कुछ भी नहीं यूज किया, चीजों को मैंने एक प्रॉपरली वे में अरेंज किया है। जैसे कि हम क्या कर देना, एक थोड़ा सा बेटर वे में समझते हैं। अगर मैं डालता हूँ फंक्शन टू डॉट एस एच, ठीक है? ये मैं आई प्रेस करूंगा एंड यहां से हम लिखेंगे हेडिंग इसकी, ठीक है? अब मैं यहां से शुरू करता हूं। अब आप देखो मैं एक पहला बना रहा हूं कॉन्फ़िगर अंडरस्कोर टॉमकैट, ये मेरा पहला फंक्शन है, ठीक है? ये मेरा पहला फंक्शन है, मतलब जब मैं टॉमकैट कॉन्फ़िगर करूंगा तो सारी चीजें उसकी एक साथ यहीं लिख दूंगा, ठीक है? ताकि अगर मुझे कभी टॉमकैट में दिक्कत आए तो मैं यहीं पर उसको देख सकता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ई को मुझे प्रिंट करेगा, एक लाइन लिख के आएगी कॉन्फ़िगरिंग अपाचे टॉमकैट, ठीक है? ऐसे लिख के आएगा, मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो गया, ये मुझे प्रिंट करेगा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट, सिर्फ ये एज इट इज प्रिंट करेगा, चाहे हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे इतना प्रिंट करके देगा पहले, ठीक है? जब ये प्रिंट कर देगा तब इसके मुझे कमांड्स कुछ रन करनी होंगी, तो मेरी जो कमांड है ये इसके जो लिंक है इसको मैं यहां से उठा लेता हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी जब हमने अपाचे वेब सर्वर जब हमने कॉन्फिगर किया था तो वहां पे मैंने आपको दी थी ये लिंक, ठीक है? तो मैंने ये लिंक यहाँ लिख दी है स्लैश कैपिटल पी, यानी पे रहेगा ये पाथ पे, कौन सा पाथ रहेगा, ओपीटी के अंदर, ठीक है? एंड एंटर, टार फाइल रहेगी हमारी XBF, ये मैंने आपको समझाया है, सब समझाया, ठीक है? अब यहां पे मैं ये समझाऊंगा नहीं, यहां मुझे फंक्शन समझाने के लिए बैठा हूं मैं, ठीक है? तो अपाचे हाइफन टॉमकैट, ठीक है, हाइफन सॉरी 7.0.47 .tar.gz, यही इसका फाइल का नाम है, दिस इज द फाइल नेम, ठीक है? अपाचे टॉम कैट हाइफन, इसको एक बार यहां से सिंपली कॉपी करके हम यहां भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करके मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा अब, ठीक है? ओके तो ये मैंने इसको यहां पे रन कर दिया है, इसको मैं दे दूंगा कैपिटल सी स्लैश ओपी टी के अंदर, ठीक है? इसको भी डाल दिया मैंने, इको कमांड रहेगी मेरी, अब इको अपाचे टॉम कैट कंफिग्यूरेशन कंप्लीटेड, ठीक है? ऐसे लिख के आएगा मेरा, ये मेरा बन गया एक फंक्शन, मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया
ठीक है, आप समझो एक ग्रुप मैंने बनाया जिसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगर किया टॉम कैट, एंड उसके अंदर ये सारी कमांड मेरी रन करेंगे टॉम कैट की। ठीक है, पहले वो उसको खींच लेगा, डब्ल्यू गेट से खींचता है वो स्टार डॉट जीरो फाइल को खींचेगा एंड ओपीटी के अंदर डाल देगा, एंड वहां जाकर के ये इसको अनजिप करके रन कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा इतना कमांड था कॉन्फ़िगर करने का टॉम कैट का। ठीक है, अब मैं नीचे एक बनाऊंगा नेक्स्ट फंक्शन जिसमें मैं करने वाला हूँ कॉन्फ़िगर अपाचे, है ना, मैं इसका नाम डाल दूंगा वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर ये, ठीक है कूल। अब मैं इसे करूंगा कॉन्फ़िगर। ओके देखो, अब मैंने जैसे यहां पे मुझे क्लोज भी करना था, ठीक है, अब ये क्लोज हो गया पहला वाला। एंड यहां से मैं एक काम करता हूँ, इसे लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन टू कॉन्फ़िगर अपाचे वेब सर्वर। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये क्या होता है ना, ये मैंने हैशटैग डाला है, मतलब ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये नीचे वाला जो लाइन है यहाँ से अब जो फंक्शन है ये कन्फिगर कर रहा है वेब सर्वर। ठीक है, तो यहाँ से हम आ जाएंगे नीचे, राइट, यहाँ आके मैं शुरू करता हूँ इको। सबसे पहले मुझे प्रिंट करेगा ये कन्फिगरिंग अपाचे वेब सर्वर। ठीक है, ये हो गया पहला कमांड। दूसरा कमांड क्या होगा, अब ये कमांड रन करेगा यम इंस्टॉल httpd-y। ठीक है, ये मेरा दूसरा कमांड हो गया। एंड मैं तीसरा कमांड यहाँ रन कर रहा हूँ इको। अब मैं प्रिंट करूंगा हेलो अपाचे, ठीक है, और इसको मैं, ये प्रिंट होगा, ये कहाँ पे जाएगा, सेव हो जाएगा कहाँ जाके, वेर /www/index.html के अंदर जाके सेव हो जाएगा। मतलब जब हम रन करेंगे ना तो हमें ये लिख के आना चाहिए। अब मैं सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD कर दूंगा। ठीक है, सिस्टम CTL इनेबल HTTPD कर दूंगा, राइट, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई है। अब जब इसी स्पेलिंग की वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स आती है, हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। ठीक है, अपाचे वेब सर्वर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, राइट, ये ऐसे लिख के आ जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, ये हो गया। अब लास्ट में मैंने दो फंक्शंस बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉल करूंगा, यानी कॉल टू फंक्शन। कौन से फंक्शन मैंने बनाए हैं, एक ये है मेरा कॉन्फ़िगर अंडरस्कोर टॉम कैट, यही नाम है ना पहले वाले का, चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर अंडरस्कोर टॉम कैट, ओके। एंड सेकंड वाले का नाम क्या है, कॉन्फ़िगर अंडरस्कोर वेब सर्वर। ठीक है, कॉन्फ़िगर अंडरस्कोर वेब सर्वर, उसको भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने लास्ट में बस कॉल किया है, जब मैं इसको बुलाऊंगा ना, जब ये एग्जीक्यूट करेगा कमांड, जब मैं इसको बुलाऊंगा कॉल करूंगा कॉन्फ़िगर टॉम कैट को, तो ये मुझे इसका पहले वाले का आउटपुट देगा। एंड जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वेब सर्वर, मतलब कॉल करूंगा वेब सर्वर को, तो ये मुझे दूसरे का आउटपुट देगा। ठीक है, अब ये देखो, ये एक सिंपल वे में एक फंक्शन फाइल है, मतलब कि एक प्रॉपरली वेल अरेंज्ड फाइल है। ठीक है, इसको मैं अगर आपको और माइनस कर दिखाऊं, सी दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन मेरा बन गया इतना, एंड ये मेरा अगला फंक्शन बन गया। अगर मेरी प्रॉब्लम आती है टॉम कैट में तो मुझे सिर्फ इसको चेक करना है इतने को। ठीक है, अगर मेरी वेब सर्वर को आती है प्रॉब्लम तो मैं इसको चेक करूंगा। वैसे अगर आपके 100 प्रोग्राम्स आपने लिखे हुए हैं, मतलब एक ही फाइल के अंदर, तो आप उनको एज अ फंक्शन बुला सकते हो, एज अ फंक्शन से आप कॉल भी कर सकते हो। बहुत ईजी चीज है ये, मतलब आपको ना एक वेल अरेंज्ड मैनर में आपको चीजें दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं करूंगा शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के अपन ना जाएंगे बाहर। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा फंक्शन टू डॉट एसएच को एग्जीक्यूटेबल परमिशन। अब देखो मैंने वापस से यहाँ पे प्लस एक्स नहीं लिखा, सॉरी, ओहो, ठीक है, ये देखिए मैंने अभी हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूं देखो किसे, स्लैश फंक्शन टू डॉट एस एच एंड एग्जीक्यूट। अब देखो ये कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है, टॉम कैट को कॉन्फ़िगर कर रहा है पहले, राइट, इसमें एक एरर आ रहा है, आई थिंक नो सर्च सर्टिफिकेट का एरर आ रहा है। देखो इसमें ये एरर आ रहा है ना, ये मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा वापस से फाइल के अंदर। ठीक है, हम आई, सिंपली आई में प्रेस करूंगा एंड हम ऊपर आ जाएंगे, और मुझे ना ये डब्ल्यू गेट वाली कमांड के साथ ये जो ओपीटी है इसके बाद मुझे एक चीज ऐड करनी है, हाइफन हाइफन नो हाइफन चेक हाइफन सर्टिफिकेट, शिफ्ट सेमीकोलन डब्ल्यू क्यू एस्टिमेटेड मार्क लगा के आ जाएंगे बाहर, कंट्रोल एल किया मैंने, एंड अब मैं रन करूंगा एंड सी दिस, अब ये कर देगा कनेक्टेड। अब यहां लिख के नहीं, अब क्या लिख के आ गया, कनेक्टेड, अब इसने उसको सर्टिफिकेट चेक नहीं किया, राइट, अब ये लिख के आ गया कनेक्टेड। तो देखो पहला यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, यहाँ पे अपाचे टॉमकैट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, ये लिख के आ रहा है, आपको दिख रहा है, दिस इज द लाइन अपाचे टॉमकैट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, एंड सेकंड लिख के आया अपाचे वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, राइट।
तो ये दोनों मेरे हो चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हमें चेक करना है कि अगर एक्चुअली हमारे वो जो फाइल्स है वो इंस्टॉल हो गए, मतलब वो सर्वर्स इंस्टॉल हो गए, तो हम कैसे चेक करेंगे। यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, अगर मैं सिंपली सर्च करता हूँ यम लेट इंस्टॉल, तो मुझे पूरी लिस्ट दे देगा, ठीक है। बट मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ क्या चीज, सिर्फ मेरे को अपना वाला चाहिए, ठीक है। देखो पूरी लिस्ट इसने, मैं कंट्रोल एल्स करूंगा स्क्रीन क्लियर, मैं यहाँ डालूंगा सिर्फ यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, ठीक है। यहाँ हम यूज करेंगे ग्रैप कमांड फिल्टर करने के लिए, HTTPD सर्च करूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये सिर्फ मुझे बताएगा कि HTTPD इंस्टॉल है कि नहीं, ऑब्वियसली इट इज इंस्टॉल्ड, आपको दिखा रहा है, ठीक है, दिखा रहा है ना, राइट। तो हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं ls-lrth/opt के अंदर अगर जाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसकी टॉमकैट की फाइल, ये भी आपको दिख जाएगी यहीं पर ही, एंड इसकी 7. नॉर्मल फाइल भी यहीं पर ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मेरी फाइल इसके अंदर आपको शो हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, राइट। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन है, बेसिकली हम करते क्या है, फंक्शंस को हम एक प्रॉपरली वे में अरेंज करके चीजों को, और देन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमें इन फ्यूचर अगर कभी डाउट हो तो हम उसको जाके चेकआउट कर सके, राइट। तो ठीक है गाइस, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।